नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी अभी आपने सुना, उन्होंने कहा मोदी की गारंटी, मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। तीन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत का मतलब 2024 में हैट्रिक की गारंटी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी भारतीय जनता पार्टी के हौसले इस वक्त बुलंदी पर हैं, क्योंकि अगर इस वक्त आप भारत देश का नक्शा देखेंगे तो 57% आबादी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी नजर आती है। 58% इलाकों में भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका लहराती नजर आ रही है। और हो भी क्यों ना, जिन राज्यों में बीजेपी जीत की उम्मीद कर रही थी, जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी ये मानकर चल रही थी कि जीत उनकी होनी है, ये दावा उनका पक्का था, वहां भी बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। चार चुनावों के नतीजे आए और चार में से एक पर कांग्रेस पार्टी सिमट गई, और वहीं मोदी का मैजिक राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक जबरदस्त चला है। तस्वीरें आपके सामने हैं जिस तरह से बीजेपी जश्न मना रही है। आज पार्लियामेंट का सेशन भी शुरू होने वाला है, जाहिर है सांसदों के हौसले भी इस वक्त बुलंदी पर होंगे। कल के रिजल्ट ने कुछ बातें साफ कर दी हैं, उनमें पहली बात ये कि जो कास्ट सेंसस की चर्चा की जा रही थी, जो इंडिया अलायंस कह रहा था, जो बार बार कांग्रेस पार्टी कह रही थी, राहुल गांधी कह रहे थे, हर क्षेत्र में जाकर, हर राज्य में जाकर अगर कांग्रेस की सरकार आई तो जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। देश की जनता ने, तीन राज्यों की जनता ने कम से कम ये बता दिया कि जाति आधारित राजनीति के, अगर हम कहें, असर पर ये जनता नहीं चलने वाली है। जाति आधारित राजनीति अब इन राज्यों में नहीं चलेगी। जिन लोगों ने वोट दिया, वोट का प्रतिशत ये बताता है कि चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, हर वर्ग की ओर से वोट बीजेपी को पड़ा है। आइए कुछ आंकड़े कल के रिजल्ट के आपको बता दें, कुछ डिटेल्स ग्राफिक्स के जरिए हम आपके सामने रख दें। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर भारत में कांग्रेस को करीब करीब साफ कर दिया है। हम मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तस्वीर आपके सामने रख चुके हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों के नतीजे पर भी बहुत कुछ ये असर डालेंगे, क्योंकि हम तो ये कह रहे थे ना, ये तो 24 का सेमीफाइनल है। मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को मध्य प्रदेश में 230 में से 163 सीटें मिली हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़कर 48.55% हो गया है। राजस्थान के 199 में से बीजेपी को 115 सीटें मिली हैं। वोट शेयर की बात करें तो यहां पर 41.69% का रहा। छत्तीसगढ़, जिससे लेकर सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी कॉन्फिडेंट थी कि ये राज्य तो वो जीतेंगे ही जीतेंगे, खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इतने कॉन्फिडेंट थे कि कई मर्तबा आपने उन्हें कैंडी क्रश करते हुए देखा होगा, वो कैंडी उनकी क्रश हो गई। आप देखें, छत्तीसगढ़ में भी बाजी पलट गई। 54 सीट के साथ बीजेपी को यहां पर प्रचंड बहुमत मिला और वोट शेयर 46.27% का रहा। राजनीति के इतने वर्षों में मैं हमेशा भविष्यवाणियों से दूर रहा। मैं कभी वादे वादे और बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं करता हूं, इतने साल हो गए कभी नहीं करता हूं। लेकिन इस बार चुनाव में मैंने अपना ये नियम भी तोड़ा था। मैंने राजस्थान में मावजी महाराज को प्रणाम करते हुए उन्हीं की धरती पर ये भविष्यवाणी की थी कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार लौट करके नहीं आएगी। मध्य प्रदेश ने भी हमें फिर दिखाया है कि भाजपा के सेवा भाव का कोई विकल्प नहीं है। छत्तीसगढ़ के चुनाव की पहली सभा में मैंने खुद कहा था, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूं, मैं तो आपको 3 दिसंबर के बाद सरकार बनेगी तो शपथ समारोह में निमंत्रण देने के लिए आया। मैं आज पूरी विनम्रता से देश की हर बहन बेटी को यही कहूंगा कि आपसे जो वायदा बीजेपी ने किए हैं
वो शत प्रतिशत पूरे किए जाएंगे। और ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। तो आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कह दिया, वो तो 2024 तक का खाका खींच चुके हैं। और वो ये कह रहे हैं कि अगर केवल राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में वो अब कांग्रेस को दोबारा सत्ता में नहीं आने देंगे, ऐसा उनका दावा है। लेकिन फिलहाल हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान इस वक्त विजय चौक पर ही हमारे लाइव स्टूडियो में मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रवक्ता शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं और कांग्रेस पार्टी की ओर से पक्ष रखने के लिए तहसीन पूनावाला हमारे साथ मौजूद हैं। पूनावाला ब्रदर्स के बीच में मैं हूँ, तो सबसे पहले चूंकि जश्न मनाने का मौका शहजाद जी के पास भरपूर है, 3 राज्यों में जीत हुई है और आज अभी मिजोरम में गणना जारी है, अब वहां का नतीजा क्या होगा ये तो आगे की बात है, लेकिन शहजाद जी देखिए खुश तो बहुत होंगे। जनता को खुशी है कि जिस प्रकार से राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने वहां पर कुशासन किया हुआ था तो वहां से लोगों को मुक्ति मिली। और देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, राजनीतिक चर्चा तो चलती रहेगी, जब प्रधानमंत्री मोदी हमारे बीच में आए कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए, एक ही चीज उन्होंने कार्यकर्ताओं से करने के लिए कही और वो थी कि आज जो साइक्लोन मिचौंग जो आंध्रा और बाकी पूर्वी के कोस्ट को हिट करेगा उसके लिए कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर सहायता कर सकते हैं। तो यही तो उनकी खासियत है कि उनके लिए दल से बड़ा देश है, उनके लिए राजनीति से बड़ी राष्ट्र नीति है। और यही वो ब्रांड वैल्यू है, यही वो गारंटी है मोदी की, यही वो क्रेडिबिलिटी है कि मोदी की गारंटी मतलब सुशासन की नीति, मोदी की गारंटी मतलब युवाओं और महिलाओं की शक्ति, मोदी की गारंटी मतलब की डिलीवरी सरकार की, मोदी की गारंटी मतलब संगठन की मजबूती। और दूसरी ओर तो राहुल की नौटंकी थी, ओबीसी का कार्ड खेला, अब ओबीसी कार्ड फेल हुआ, सनातन को गाली देना फेल हुआ, तो भारत को विभाजन करने वाली नॉर्थ साउथ पॉलिटिक्स शुरू कर दी। ये तो अच्छी बात है कि जो हमारे साथ खड़े हैं कम से कम उनमें इतनी नैतिकता है कि उन्होंने कांग्रेस को आईना दिखाया, परंतु आज जब ये लोग चुनाव हारे हैं तो उसमें भी कार्ति चिदम्बरम से लेकर इनके बाकी लोग अब कह रहे हैं कि देखिए साउथ तो ठीक है, ये नॉर्थ वाले कुछ नहीं जानते। इसी तरीके का रवैया जब अमेठी से चुनाव हारे राहुल गांधी का था, इसी तरीके का रवैया प्रियंका वाड्रा का था जब चन्नी जी के साथ वो हंस रही थी। तो मुझे लगता है कि भारत को कब तक बांटोगे, इस राजनीति पर कम से कम रोक लगे। नॉर्थ एंड साउथ पॉलिटिक्स पर हम आएंगे, लेकिन पहले तहसीन जी, छत्तीसगढ़ में वो हो गया जिसकी एक्सपेक्टेशन काफी हद तक खुद भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की थी। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को हमने सुना, उन्होंने तो कहा कि अंडर करंट है लेकिन ऐसा करंट होगा ये वो भी नहीं एसेस कर पाए। आप तीनों राज्य हार गए। अव्वल तो जो भाजपा के यहाँ पे प्रतिनिधि उनको ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ, सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अच्छा गवर्नेंस वे कर पाए राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अंदर जहाँ इनकी सरकार आई है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस तरह की हार होगी। हालांकि मैंने व्यक्तिगत तौर से कमलनाथ जी को ये बात बताई थी कि ये जो ओबीसी का जो एक वो चल रहा है कास्ट सेंसस का, वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप मध्य प्रदेश देखें तो शिवराज सिंह चौहान जी खुद ओबीसी मुख्यमंत्री रहे, उसके पहले बाबूलाल गौड़ जी या उमा भारती जी ओबीसी समाज से आते, तो ये वहाँ पर फैक्टर्स काम नहीं करने वाले थे। और मुझे लगता है सनातन धर्म को जो गाली देने का काम हुआ उससे बहुत नुकसान हुआ है कांग्रेस का। अब कांग्रेस को दोबारा से, मैं कोई कांग्रेस का नेता नहीं हूँ, आपने कहा मैं कांग्रेस का प्रतिनिधि हूँ, मैं सिर्फ एक राजनीतिक विश्लेषक, बस एक राजनीतिक विश्लेषक, और मेरी सलाह ये है को, क्योंकि मैं चाहता हूं 2024 में भाजपा हारे तो ड्रॉइंग बोर्ड पर आकर देश के लिए किस तरह से काम कर सकते हैं। अभी इन्होंने कहा कि मोदी जी की गारंटी यानी कि अच्छे गवर्नेंस की गारंटी, यहीं पर कुछ किलोमीटर दूर हमारी रेस्लर महिला बैठी थी, मिला उनको इंसान, मणिपुर में अच्छी गवर्नेंस हो रही, डबल इंजन की सरकार है, सबसे ज्यादा इंटरनेट का दुनिया में यूक्रेन से ज्यादा मणिपुर में है, वहां पर आर्मी कहती है कि पुलिस हमें काम नहीं करने देती, इनकी गारंटी नहीं है, इनको हराना आसान है लेकिन मुद्दों पर हराना है, हम मुद्दों से भटक जाते हैं।
चाहते हैं हम, यानी कि विपक्ष, हराने के लिए जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को सही तरीके से उठाकर पब्लिक के सामने रखा जाए तो भाजपा को हराने में मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। पब्लिक भी साथ उठाए गए थे ना मुद्दे, गारंटीज की बात पर राजस्थान में गहलोत सरकार कोशिश करती रही, मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने तो सनातन का मुद्दा भी पकड़ लिया, उन्होंने कौन सा ऐसा दर्द नहीं था मंदिर का जहाँ पे उन्होंने मथा नहीं टेका हो। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, भूपेश बघेल की पूरी जो कैंपेनिंग थी वो बड़ी पॉजिटिव कैंपेनिंग दिखाई दे रही थी, तो फिर कहाँ भटक गए? राजस्थान के अंदर अगर अशोक गहलोत जी इसके लिए बेही जिम्मेदार है, अगर ये कैंडिडेट चेंज करते 30 और कैंडिडेट अलग नए कैंडिडेट देते कांग्रेस की सरकार बन जाती। जितने भी 12 या 13 कैंडिडेट सचिन पायलट ने यंग कैंडिडेट्स को बैक किया वो सारे जीत गए। आपने पुराने कैंडिडेट्स को रिपीट किया, शांतिलाल धारीवाल को रिपीट किया, 2000 वोट से जीता, क्या जरूरत थी शांतिलाल धारीवाल को टिकट देने की? मैं बहुत सटीक बोलता हूँ, मुझे किसी से कोई डर नहीं क्योंकि मैं पार्टी में नहीं हूँ ये सारे। और अब कल मैं चैनल पे था, रेणुका चौधरी जी जिस तरह से एरोगेंस से बात करी, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था तेलंगाना जिताने में? तो ये एरोगेंस जानी होगी कांग्रेस के नेतृत्व को, एक नई लीडरशिप आने की जरूरत है, एक नया लीडरशिप जो देश समझे, देश के लोगों को क्या चाहिए और उस बात को देश के लोगों के सामने विनम्रता से रखे और पर्सनल अटैक्स नहीं होने चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री पे हो चाहे किसी पर भी हो। जो आपने बात राजस्थान की कही, यही अगर आप अशोक गहलोत का पक्ष समझने की कोशिश करें तो वो ये कहेंगे कि भाई जिन नेताओं ने हमारी सरकार बचाने का प्रयास किया अगर हम उन्हें टिकट नहीं देते तो ये भी शायद गलत होता। खैर अब तो वो हार ही गए हैं। जो बात इन्होंने कही, पर्सनल अटैक भारी पड़ गया कांग्रेस पार्टी को। जब इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को गालियां दी है तब तब मोदी जी ने उन गालियों को एक पत्थर की तरह इस्तेमाल करते हुए सीढ़ी बनाई है और देश को आगे ले जाने का काम किया है। तू चाय बेच, गंगू तेली, नीच तो परिवार के सदस्य ने कहा था ना। ओबीसी जाति और मोदी समाज को गाली देने की बात तो परिवार के सदस्य ने की थी, उनको तो दोषी पाया गया ना। और फिर क्या कहा उन्होंने कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं सावरकर हूं क्या? इस प्रकार का रवैया कोई कांग्रेस के छोटे मोटे कार्यकर्ता रेणुका चौधरी नहीं कर रही है, ये राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा कर रहे हैं। तो इसीलिए उनको संरक्षण देना और रेणुका चौधरी पर यह बात डालना, ये थोड़ी सी हजम नहीं होती। दूसरी बात, मुद्दों पर ही बात हो रही थी। अरे महिला सुरक्षा के लिहाज से मीनाक्षी जी आप तो राजस्थान में कई समय तक थी, सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाओं के लिए राजस्थान था, नंबर वन था बिल्कुल। वहां पर प्रतिदिन 17 से 20 घटनाएं हो रही थी। जो प्रियंका वाड्रा मणिपुर की विषय पर उन्होंने बात रखी, अच्छी बात, हम भी बड़े संजीदगी से रखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी पार्लियामेंट में बोले, परंतु राजस्थान के एक भी विषय पर आपने नहीं बोला। दौसा में 4 साल की बच्ची के साथ क्या हुआ, करौली में क्या हुआ, भीलवाड़ा में क्या हुआ, एक भी घटना है ऐसी जहां पर आप गई पीड़िता के पास? तो मुझे लगता है कि लोगों ने देखा कि एक तरफ तो बयानबाजी बहुत है और दूसरी तरफ चुपचाप रहकर काम करने की एक प्रथा है। महंगाई सबसे ज्यादा राजस्थान में थी और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में 18 वर्ष बाद सरकार क्यों रिपीट होती है? ये इसलिए रिपीट होती है क्योंकि राजनीतिक शब्दकोश में प्रो इनकम्बेंसी ये देन मोदी जी की है। 2014 के बाद आने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार रिपीट, उत्तराखंड की सरकार रिपीट, गुजरात की सरकार रिपीट, मतलब काम के आधार पर, परफॉर्मेंस एंड डिलीवरी के आधार पर सरकारें रिपीट करने का चलन अगर किसी ने शुरू किया है वो मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि हम लोग डिलीवर करते हैं, ये लोग डायलॉग डिलीवर करते हैं। कांग्रेस पार्टी की स्थिति अगर नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में ही कहें, वो ये कह रहे हैं कि मैं तो अब दावे के साथ कह रहा हूं कि राजस्थान में कांग्रेस अब दोबारा कभी नहीं आने वाली, यानी कि पहले गुजरात, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद अगला नंबर राजस्थान। मुझे नहीं लगता अगर सचिन पायलट लीडर ऑफ अपोजिशन बने और सही पब्लिक की जो वहाँ की जनता है उनकी आवाज़ उठाई तो दोबारा से सरकार आएगी। और राजस्थान में गवर्नेंस ठीक था, इतना ख़राब भी नहीं था। उन्होंने महिला सुरक्षा की बात की, मणिपुर की बात की, यहाँ पे जो रेसलर वेमेन थे उन पर प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द बोला। वेस्ट बंगाल जाकर एक महिला, इकलौती महिला मुख्यमंत्री के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया प्रधानमंत्री जी द्वारा? मेरे मित्र शशि थरूर की पत्नी, मरूम पत्नी के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया प्रधानमंत्री जी द्वारा? सोनिया जी के लिए जर्सी काउ, राहुल जी के लिए हाइब्रिड बच्चा, प्रधानमंत्री जी ने इन शब्दों का प्रयोग किया। तो ये चीज़ तो है कि राजनीति का जो स्तर है वो गिर चुका है। मैं उसमें पर्सनल अटैक्स नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कांग्रेस को नहीं करना चाहिए पर्सनल अटैक्स, ये पहली बात, इससे मैं पूरी तरह से अग्री करता हूँ। दूसरी बात, कांग्रेस को सिर्फ गवर्नेंस की बात करना चाहिए। कहीं ना कहीं महिलाओं की बात की, जिन महिलाओं की बात की राजस्थान में, वहाँ पर लोगों को अरेस्ट किया गया, यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह जी को अरेस्ट किया गया, पार्लियामेंट में बैठ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया महिला सुरक्षा पर। लेकिन ये मुद्दे इन तीन राज्यों में जनता ने बाय नहीं किए, आप इस बात को समझिए। कल शिवराज सिंह चौहान इंडिया टीवी पर थे और उन्होंने ये कहा कि मुझे तो लगता है कि कई मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिम महिलाओं ने हमें वोट किया है।
ये एक चीज मैं बताना चाहता हूँ और ये कांग्रेस को भी समझना होगा और सभी दलों को समझना होगा, ये मुस्लिम भाजपा को वोट नहीं, ये कहां से कौन डेटा लेता है? एक तो ईवीएम का वोट सीक्रेट होता है, इनको कैसे पता चला मुस्लिम वोट नहीं करता या करता है? एक मुस्लिम भी करता है, सारे देशवासी सबको वोट करते हैं, सब पहली ये बात, ये मुस्लिम वोट नहीं करते ये बंद करना चाहिए नैरेटिव। और अगर मुस्लिम महिलाएं की तो ठीक है, भाजपा तो देश की पार्टी, तो उसमें गलत बात क्या है? तो मुझे समझ, हमें लोगों की बात करना चाहिए, हिंदू मुस्लिम ओबीसी दलित इन पे बात नहीं करना चाहिए। अगर हम इन पे बात, डेफिन जी मैं बहुत ही सम्मान के साथ कहती हूँ ये बात आपकी बिल्कुल जायज है, बात तो सबकी होनी चाहिए। और तभी मोदी जी कहते हैं कि मेरे लिए तो चार जाती है, मेरे लिए गरीब जाती है, मेरे लिए महिला जाती है, मेरे लिए युवा जाती है, मेरे लिए किसान जाती है। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं ना कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, वो ओबीसी की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, ये तो राहुल जी को आपको समझाना चाहिए। एक ही लाइन में उसका उत्तर दूंगा, माननीय प्रधानमंत्री राजस्थान जाति गुज्जरों की बात फिर क्यों करते हैं? जारी जाती है, माननीय प्रधानमंत्री क्यों कहते हैं मैं खुद ओबीसी, अगर उनकी बात नहीं करनी तो खुद ही माननीय प्रधानमंत्री अपनी बात पे कायम नहीं रहते। देश में एक व्यक्ति ने ये भी बताया कोर्ट पर जन्यू डालकर कि मैं जन्यूधारी हिंदू, तो तथ्य को स्टेट करना जाति में बांटना नहीं होता। जाति में बांटना तब होता है जब आपके पूर्वजों ने ओबीसी कास्ट सेंसस रोकी हो 1951 में, जब आपका नारा हो ना जात पर ना पात पर मुहर लगेगी हाथ पर, जब आप मंडल कमीशन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं करते हैं 1984 में राजीव जी की सरकार उसको रोकती है, फिर पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि विभाजनकारी है, और उसके बाद राहुल गांधी आकर कहते हैं कि मैं ओबीसी का सबसे बड़ा शुभचिंतक हूं और ओबीसी कास्ट सेंसस होना चाहिए, और कर्नाटका में ओबीसी कास्ट सर्वे जारी नहीं कर रहे, छत्तीसगढ़ में नहीं किया, ओडिशा में विरोध कर रहे हैं, और राजस्थान में तो चलिए उनकी स्थिति नहीं बची। तो मुझे लगता है कि ऐसी दो मुही बातें जो करते हैं, मैं इसलिए बार बार पूछता हूं, टीएमसी इनके समर्थक है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा हम ओबीसी कास्ट सेंसस के खिलाफ है, राहुल गांधी का क्या स्टैंड है? एक को शब्द नहीं। हम लोग तो कह रहे हैं ना, हमने ओबीसी प्रधानमंत्री दिया है, आप बताइए कि आपका प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन है इंडिया अलायंस का? कोई शब्द नहीं। हमारे 85 एमपी ओबीसी है, इनके कुल मिलाकर 52 एमपी नहीं है, हमारे 27 मिनिस्टर ओबीसी है, देश की प्रथम राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज से आई वो हमने उनको वहां तक पहुंचाया, इन्होंने विरोध किया, देश के सबसे होनहार हमारे उपराष्ट्रपति वो ओबीसी समाज से राजस्थान की भूमि से आते हैं, पहला सूचना आयोग का अध्यक्ष हीरालाल सामरिया जी दलित समाज से आते हैं, वो राजस्थान की भूमि से आते हैं, कांग्रेस का क्या योगदान है इन चीजों में? कांग्रेस केवल बात करती है और विभाजनकारी सोच लेकर आई है। और तेसिन से पूछिए कि अब क्या नॉर्थ साउथ में बांटेंगे भारत को? मतलब वो ताकतें जो भारत को बंटवाना चाहती है उनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि मोदी पसंद नहीं, मोदी पसंद नहीं तो आर्मी को गाली, मोदी पसंद नहीं तो भारत की संस्थाओं को गाली, मोदी पसंद नहीं तो भारत का बंटवारा, मोदी पसंद नहीं तो भारत का बंटवारा। नहीं तो इस बार तो अच्छी बात ये हुई है शहजाद जी, आपको तो कांग्रेस पार्टी को इस बात पर कांग्रेचुलेट करना चाहिए कि ईवीएम के ऊपर कोई सवाल उठा नहीं है। जनता नॉर्थ इंडिया की ये मतलब एक प्रकार से मूर्ख है और साउथ की जनता बहुत ठीक है, मतलब ईवीएम के बाहर जाकर अब जनता पे गाली गलौज, प्रचंड विजय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद से क्या मैसेज देंगे? आप जानते हैं संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है और इसलिए इंडिया टीवी ने एक खास व्यवस्था की है। इस वक्त पार्लियामेंट के बाहर विजय चौक से हम आपके लिए विशेष पेशकश लेकर आ रहे हैं, ये चर्चा जारी रहेगी।